हेलो स्टूडेंट्स, आज आप क्लास 9 के बच्चों के लिए फिर से मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो जिसमें आप लोग आज पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। साथ ही आप लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के रेट को प्रभावित करता है। साथ ही आप लोग यह भी पढ़ने वाले हैं कि इवेपोरेशन जो होता है यह कूलिंग इफेक्ट कैसे क्रिएट करता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी आप लोग समझेंगे। तो आज का वीडियो जो है उसे हम लोग शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग इवेपोरेशन और उसके साथ जुड़े हुए अलग अलग फिनोमेनाज के बारे में, घटनाओं के बारे में। वैसे तो इवेपोरेशन खुद में घटना है, बस तो उसके साथ में कुछ और चीजें जुड़ती चली जाती हैं, हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर से, यानी कि जो आप लोग 9th क्लास के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, इससे आप लोगों के लिए एक दो वीडियो ही अब बचा हुआ रह गया है। चैप्टर खत्म होने पर है, आप लोगों को लैटेंट हीट के बारे में पढ़ना है और साथ ही आप लोगों को पढ़ना है अलग अलग जो होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने वाले जो स्केल जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो है टॉपिक आज का है, ये है डिफरेंसेज बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ठीक है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच के कौन से डिफरेंसेज हैं इंपॉर्टेंट, तो हम लोग अभी बात करेंगे चार इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज की जो बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत किया गया है द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग एज अ फॉलो। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इवेपोरेशन जो है उससे जुड़ा हुआ सबसे पहला कौन सा प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी बॉइलिंग के साथ नहीं पाया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इवेपोरेशन जो है इसके साथ सबसे पहला प्रॉपर्टी यह जुड़ा हुआ है कि इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। बॉइलिंग नहीं बल्कि हम इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है, एक ऐसा हम कह सकते हैं कि फेनोमेना है जो किसी भी टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, यहां तक कि आपके रूम टेम्परेचर पर भी। अगर आप एक बोतल में पानी लिए हुए हैं, आपने बोतल में पानी को बंद करके ऐसे ही रख दिया अपने घर में, आप अगर कुछ घंटों के बाद देखेंगे, कुछ दिन के बाद देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो बोतल जो है ना उसके अंदर में जो है सरफेस जो है उसके ऊपर पानी का महीन महीन पार्टिकल जमा है, उसके ऊपर इकट्ठा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इवेपोरेशन जो होता है ये हर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, जबकि बॉइलिंग के साथ क्या है, इट टेक्स प्लेस ओनली एट अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग जो होता है सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही होता है, यानी कि एक निश्चित तापक्रम के ऊपर होता है। जैसे शुद्ध पानी का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फिक्स्ड है, निश्चित है। तो पहला तो डिफरेंस यह हो गया। अब दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। दूसरा डिफरेंस है आपको यहां पर दिया हुआ है कि इवेपोरेशन जो होता है ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं बॉइलिंग में, तो ये कूलिंग इफेक्ट जो होता है प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी कि इवेपोरेशन जो होता है वह कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कैसे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं वो आगे मैं बात करूंगा आज ही इस वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि इवेपोरेशन जो है ना यह जिम्मेदार है कूलिंग इफेक्ट के लिए, जबकि बॉइलिंग कूलिंग इफेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब तीसरी बात यहां पर कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं जो डिफरेंस निकल करके आता है। इवेपोरेशन जो है ये क्या है, इवेपोरेशन इट इज अ स्लो प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, जबकि हम बॉइलिंग क्या देखते हैं कि बॉइलिंग जो है ना ये क्या है, एक रैपिड प्रोसेस है। ठीक है ना, बहुत ही तेज गति से होने वाला एक प्रोसेस है, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस हुआ, बहुत ही स्लो प्रोसेस हुआ, लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं बॉइलिंग की तो क्या है, ये एक रैपिड प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस है, एक तेजी से होता है। ठीक है, तो तीन डिफरेंसेज हो गए। अब एक और डिफरेंस रह गया है, उसकी बात हम कर लेते हैं। इवेपोरेशन जो है एक प्रकार का क्या है, सरफेस प्रोसेस है। ठीक है ना, यानी कि इवेपोरेशन जो होता है कहां से होता है, सरफेस, सतह से होता है। लेकिन अगर हम बॉइलिंग की बात करते हैं, अगर हम बॉइलिंग की बात करते हैं तब ये क्या है, ये एक प्रकार का बल्क फिनोमेना है, यानी कि बॉइलिंग जो है ना ये पूरे, मतलब कि जिस बर्तन में हम लेकर के लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं ना, वो बॉयल हो रहा है ना, उस पूरे बर्तन के पूरे मतलब वॉल्यूम में हर जगह पर हो रहा होगा, हर एक हिस्से में हो रहा होगा, पूरे पार्ट में हो रहा होगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस प्रोसेस है, लेकिन अगर हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो क्या है, ये बल्क फिनोमेना है, यानी कि ये पूरे पार्ट में होता है। तो इस प्रकार से हम इवेपोरेशन को बॉइलिंग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इवेपोरेशन बॉइलिंग से कैसे डिफरेंट होता है, कैसे अलग होता है, दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेज होते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेज बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, देन यू कैन से दैट द इवेपोरेशन शो मेनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स,
विच आर नॉट एग्जिस्ट विथ बॉइलिंग, लाइक एट इवेपोरेशन में हम क्या बोलेंगे, इट टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर, वेयर एट बॉइलिंग टेक्स प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट. द सेकेंड डिफरेंस, इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग, वेयर एट बॉइलिंग डजेंट काउजेज कूलिंग, ठीक है ना, डजेंट काउजेज कूलिंग. द थर्ड वन इज इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, वेयर एट बॉइलिंग इज अ रैपिड प्रोसेस. और लास्ट क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन इज अ सरफेस प्रोसेस, वेयर एट बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना. तो पहला टॉपिक ये था आपका डिफरेंस दोनों के बीच का, उम्मीद है समझ गए होंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यहां पर द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करता है, ठीक है ना, इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन सा है, हम उसकी बात करते हैं. देखिए यहाँ पर इवेपोरेशन जो है उसको प्रभावित करने वाले चार महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, ठीक है ना, यहाँ पर विंड स्पीड. तो सरफेस एरिया है, इसके बाद टेम्परेचर है, फिर ह्यूमिडिटी है और फिर है विंड स्पीड, ठीक है. अब एक एक करके समझते हैं. देखिए इवेपोरेशन जो है ना, इसके मतलब कि इवेपोरेशन जो प्रोसेस है इसको प्रभावित करने वाला सबसे पहला और मेजर फैक्टर होता है सरफेस एरिया, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, इसको समझिएगा. इट इज अ सरफेस फिनोमेना, यह क्या है, एक प्रकार का सरफेस फिनोमेना है. सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, यह एक प्रकार का सरफेस फिनोमेना है. इसलिए जब हम लोग रेट इवेपोरेशन का जो होता है ना, जब उसको हम लोग बढ़ा देते हैं तब हम क्या देखते हैं कि तब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, फिर से सुन लीजिएगा. इवेपोरेशन जो है यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसके साथ में दिया हुआ है कि एक प्रकार का सरफेस फिनोमेना है. तो इसलिए सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, तो जब सरफेस एरिया को हम बढ़ाते हैं तब रेट इवेपोरेशन का भी बढ़ जाता है. इसको एक एक उदाहरण से समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल की मदद से. मान लेते हैं कि एक भींगा हुआ कपड़ा है, उस भींगे हुए कपड़े को आप जो है ऐसे ही उसको मोड़ करके एक जगह पर रखे हुए हैं, ठीक है. तब वो सूखने में जितना समय लगेगा लेगा, उससे बहुत ही कम समय में वो कब सूख जाएगा, जब आप उसको पूरी तरह से जो है उसको आप खोल कर जो है उसको आप सूखने के लिए डाल दीजिएगा, ठीक है ना. यानी कि अगर आप उसको एक जगह पर मोड़ चमोड़ के उसको अगर आप रख देते हैं ना, तब वो जो है सही तरीके से सूखेगा नहीं, उसको सूखने में बहुत समय लग सकता है. लेकिन जब आप उसको पूरा फैला रहे हैं तब क्या हो रहा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा और वो जल्दी से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा. तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है. अब हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंड यहाँ पर जो है फैक्टर, यह है टेम्परेचर. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट काइनेटिक एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर. अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसी भी लिक्विड को, अगर हम ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो थे, जैसे वाटर है तो वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो प्राप्त करते हैं ज्यादा मात्रा में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, और इससे क्या होता है वो वेपर में कन्वर्ट होना तेजी से शुरू हो जाता है. यानी हम कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी टेम्परेचर को भी बढ़ाने पर इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना. जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप एक कटोरी में पानी लेकर के उसको रूम में रख दीजिए, रूम टेम्परेचर पर, उसमें इवेपोरेशन का रेट जो होगा ना उससे कहीं ज्यादा आपको इवेपोरेशन का रेट कब दिखाई पड़ेगा, जब उस कटोरी को आप रखते हैं बर्नर के ऊपर, जलते हुए चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा टेम्परेचर उसको मिल रहा है तो रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है ह्यूमिडिटी, ठीक है. ये क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज हाई द रेट ऑफ टेम्परेचर विल डिक्रीज. यानी कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ता है तब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन का रेट जो होता है वो घटता जाता है, वो घटेगा इवेपोरेशन का रेट. कैसे होगा, अगर वाटर वेपर का अमाउंट अगर एयर में ज्यादा है, अगर एयर में वाटर वेपर का अमाउंट अगर ज्यादा है तब उस सिचुएशन में ज्यादा मात्रा में वाटर पार्टिकल जो होता है ना वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वो उसको डिक्रीज कर देगा, उसको घटा देगा. एक उल्टा है यहाँ पर, अभी तक हम देख रहे थे कि यहाँ पर सरफेस एरिया और टेम्परेचर जो था ये दोनों जब इंक्रीज हो रहा था, सरफेस एरिया और टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा था तब इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाता है तब इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना. अगर ह्यूमिडिटी बढ़ता है तब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज कर जाता है, इसको याद रखिएगा.
तो यहां तक जो है तीन अलग अलग हो गए फैक्टर। अब एक फैक्टर है विंड स्पीड, ठीक है, हवा का जो होता है बहाव जो होता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि किस तेजी से बह रहा है। विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विथ द विंड ड्यूस डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। दिस इज व्हाई क्लॉथ ड्राई फास्टर इन विंडी डेट। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि इवेपोरेशन का रेट जो होता है उसको विंड स्पीड जो होता है वह भी अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कैसे करेगा? अगर मान लेते हैं कि एक जगह पर शांत है, हवा बहुत तेजी से नहीं बह रहा है, वहां पर हमने कपड़ा डाल रखा है एक सूखने के लिए, और दूसरा जगह पर कपड़ा जो हमने डाल रखा है सूखने के लिए वहां पर बहुत ही तेजी से हवा बह रहा है, तो जहां पर तेजी से हवा बह रहा होगा ना वहां पर कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। आप भी इसको जानते हैं, आप जब अपने घर में छत पर कपड़े को सूखने के लिए डालते हैं तो आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा कि जब हवा का तेजी से बहाव हो रहा होता है तो कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? कपड़े के सराउंड जो एयर है, कपड़े के सराउंड यानी कपड़ा जो आपने डाल रखा है सूखने के लिए फैला करके, उसका सराउंड जो एयर है ना उसमें वाटर के पार्टिकल्स मौजूद है, ठीक है। तो जब हवा बहता है तो क्या करता है कि अपने साथ उन वाटर पार्टिकल्स को बहाकर जल्दी लेकर चला जाता है, तब यहां पर इवेपोरेशन होने का चांस जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है ना। इवेपोरेशन होने का चांस बढ़ जाता है और इवेपोरेशन तेजी से होना शुरू होता है, यानी कि जो कपड़ा भींगा हुआ था ना वहां से इवेपोरेट होने के बाद में वाटर वेपर उसके सराउंड एग्जिस्ट नहीं करता, वो बह के निकल जाता है। अब दूसरा निकलेगा इवेपोरेट होकर का पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल निकलेगा इवेपोरेट होकर। इस तरह से इवेपोरेशन का रेट कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि विंड स्पीड जो होता है यह भी रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करने के लिए। तब यहां तक हम समझ चुके हैं कि जो फैक्टर अफेक्ट करता है इवेपोरेशन के रेट को, उसमें शामिल है सरफेस एरिया, उसमें शामिल है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। इसमें सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड को अगर इंक्रीज करते हैं तब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अगर हम ह्यूमिडिटी को अगर इंक्रीज कर देते हैं तब क्या होगा? विंड स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, वह क्या होगा? घट जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहां पर जो है अब तक हम लोग दो टॉपिक समझ चुके हैं, इसमें पहला टॉपिक आपका था डिफरेंस इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में, और दूसरा टॉपिक था वो फैक्टर कौन सा है जो प्रभावित करता है इवेपोरेशन को, ठीक है। अब एक और टॉपिक है आज का आखिरी, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ये टॉपिक है इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है ना कूलिंग इफेक्ट का कारण बनता है। तो यहां पर आपको सबसे पहला पॉइंट दिया गया है समझने को, पार्टिकल ऑफ लिक्विड डेट इवेपोरेट्स अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। लिक्विड जो इवेपोरेट हो रहा है, यानी कि लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो पार्टिकल जो लिक्विड के हैं जो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है ना, वो ऑब्जॉर्ब करता है एनर्जी, हीट एनर्जी कहां से? अपने सराउंडिंग, अपने चारों ओर से। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप एक कटोरी में पानी रखे हुए हैं और अगर वह पानी जो है वहां से इवेपोरेट अगर हो रहा है, तब इसका मतलब है कि वो लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाने के लिए, लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाने के लिए अपने चारों ओर से जहां पर वो है वहां चारों ओर से वो हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, और हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा करने के बाद क्या होगा? उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, वो और ज्यादा मूव करेगा, इंटर पार्टिकल फोर्स कम जाएगा, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाएगा, और नतीजा यह निकलेगा कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तब हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को वह हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहा है अपने चारों ओर से। तो अगर हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा अपने चारों ओर से, अपने सराउंडिंग से, तब वहां का तो हीट कम जाएगा, वहां का तो हीट एनर्जी कम जाएगा, यानी कि अगर हीट एनर्जी वहां कमता है तो वहां पर तो कुछ ठंड होगा ना अहसास, यानी कि वहां पर तो अब लगेगा कि नहीं पहले से कम हो गया टेम्परेचर, पहले से हीट अब कम हो गया तो वहां पर तो कुछ ठंड का अहसास हो सकता है, उसी को हमें समझना है। सुनिएगा, दिस ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ये आपको सेकेंड टॉपिक यहाँ, सॉरी सेकेंड यहाँ पर पॉइंट है। दिस ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स सराउंडिंग कूल। ये जो ऑब्जॉर्प्शन होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है यानी कि जो ऑब्जॉर्ब कर लेता है अपने चारों ओर से हीट को, इसकी वजह से चारों ओर वाला जो रहता है ना वो पूरा का पूरा एनवायरमेंट जो है वहां पर ठंड का एहसास होता है, यही कूलिंग इफेक्ट का कारण है। अब उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इफ वी पुट अ लिटिल पेट्रोल और एसीटोन, अगर हम बहुत ही थोड़ा सा मात्रा में पेट्रोल एसीटोन जो है ना अगर उसको अगर हम लोग अपने हथेली पर अगर लेते हैं, पाम पर लेते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि इवेपोरेट होता है ना, और जब इवेपोरेट होता है तब हमें एहसास होता है ठंड का उस जगह पर, यानी कि अगर हम अपने हथेली पर थोड़ा सा मात्रा में एसीटोन या पेट्रोल लेंगे
तो हम क्या फील करेंगे कि वहां पर ठंड लग रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये समझिए, जो अभी यहाँ पर पहला और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ना, अगर आप इसको नहीं समझ पाए होंगे तब इस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है, हम अपने हथेली पर थोड़ा सा मात्रा में पेट्रोल या एसीटोन ले रहे हैं, वह पेट्रोल एसीटोन जो है इवेपोरेट हो रहा है, लिक्विड था कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में, तो लिक्विड से गैस में जाने के लिए वो हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा अपने सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग क्या हुआ, आपका हथेली हुआ ना, तो हीट एनर्जी को कहां से अब्सॉर्ब कर रहा है, आपके हथेली से कर रहा है अब्सॉर्ब, है ना, तो आपके हथेली से उसने हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, तो वहां तो ठंड लगेगा ना, यानी कि आपको ठंड का एहसास होगा। तो यही मेंशन किया हुआ था पहला और दूसरा पॉइंट में इस जगह पर, अब आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो दिया हुआ इसको मैं पढ़ देता हूं एक बार, इफ वी पुट अ लिटिल पेट्रोल और एसीटोन ऑन आवर पाम इट इवेपोरेट्स एंड वी फील कूल, दिस इज बिकॉज व्हेन अ लिक्विड चेंजेस अ वेपर स्टेट इट टेक्स द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर कोई भी जो लिक्विड है ना वह कन्वर्ट होता है अगर वेपर में, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्राप्त करता है अपने सराउंडिंग से। तो यहां कहां से प्राप्त कर रहा था, वो पाम हथेली से, ठीक है ना, और इस प्रकार से क्या देख रहे थे कि वहां पर ठंड का एहसास हो रहा था उस जगह पर। अब कुछ और एग्जाम्पल यहां पर हम देखते हैं ऑपरेशन का, ठीक है ना, सॉरी हम यहां पर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ऑपरेशन का जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यहां पर सबसे पहला है कि हॉट समर डे है ना, इस समय हम लोग क्या देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, अब तो शहर में भी देखते हैं हम लोग, कि लोग यूज करते हैं घड़ा जो होता है मटका उसको, ठीक है ना, यूज करते हैं क्या करने के लिए, पानी को ठंडा रखने के लिए। तो अगर हम मटके में अगर हम या मिट्टी का जो होता है मटका यानी घड़ा जो है अगर उसमें पानी को हम रखेंगे तो पानी ठंडा रहता है, क्यों, कारण क्या है, कारण यह है कि वो मिट्टी का जो बर्तन जो होता है मटका या घड़ा जो भी है उसमें बहुत सारा पोर्स होता है, छिद्र होता है, जब पानी को उसमें लेते हैं ना तो पानी छिद्र से बहकर बाहर आने लगता है, ठीक है ना, और बाहर आने के क्रम में क्या करता है कि उस अर्थन पॉट यानी कि मटका जो है या घड़ा जो है मिट्टी का उसके बाहर वाले सरफेस को बिल्कुल भींगो देता है। आप देखे होंगे कि अगर उस तरह के मिट्टी के बर्तन में पानी लेंगे ना तो बाहर वाला सरफेस पूरा भींगा हुआ हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ठीक है ना। और अब होता क्या है कि बाहर का टेम्परेचर अगर अंदर प्रवेश करना चाहेगा, अगर हीट अगर अंदर प्रवेश करना चाहेगा तो वो खर्च हो जाता है, क्या करने में खर्च हो जाता है, जो बाहर जो आप पानी देख रहे थे ना उसको इवेपोरेट करने में खर्च हो जाता है, ठीक है ना। इस वजह से ये बाहर जो पानी निकल रहा था ये इवेपोरेट होने में पूरा हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, अंदर हीट पहुंचता ही नहीं है तो अंदर का पानी ठंडा रह जाता है। इस तरह से काम करता है अर्थन पॉट। और एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं कि गर्मी के दिनों में हम लोग यहाँ पर कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, इससे हमें कंफर्टेबल और ठंड का एहसास होता है, ये भी एक यहाँ पर एग्जांपल है। और देख सकते हैं कि वाटर वेपराइजेशन होता है पेड़ों से, ये पेड़ के आसपास के हिस्से को ठंडा रखता है। देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है, गर्मी के दिनों में महसूस करते हुए कि पेड़ के नीचे खड़ा होने पर ठंड का एहसास होता है, ठीक है ना, वो भी कूलिंग इफेक्ट ही निकल करके आता है, उसी के कारण से यहाँ पर इस तरह का हमें एहसास फीलिंग होता है, उसका बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का, उसे कूलिंग का बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है यह। इसके बाद और क्या है, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन कप। अगर मान लेते हैं कि कप से अगर दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको दिया गया है कप में एक बहुत ही गर्म चाय या कॉफी है, उसको प्लेट में लेकर के आपको दिया गया पीने के लिए, प्लेट में जो कप रखा होता है ना उस तरह से आपको दिया गया, आपके सामने सर्व किया गया है, अगर आप कप को उठाकर पीना शुरू करते हैं तो आपको बहुत गर्म लग सकता है। तो क्या देखोगे ना कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा प्याली में उठा लेते हैं, ठीक है ना, और फिर उसको पीते हैं, तब क्या होता है उनको उतना ज्यादा गर्म नहीं लगता है, समझ गया ना। तो ये भी एग्जाम्पल किस क्या है, इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग का कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपसे बात करूंगा लैटेंट हीट के बारे में, जो मैंने अभी चर्चा किया था, और आपसे मैं इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग से रिलेटेड एक और मैं एग्जाम्पल्स की बात करूंगा, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपके बुक एक्सचेंज या फिर एनसीईआरटी का पूरा जो स्टडी मटेरियल है उसको पूरा का पूरा कवर कर लें, कुछ छूट ना जाए, ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर से रिलेटेड एक दो वीडियो ही आपके लिए होगा। आप लोगों का आज का जो टॉपिक जो था, पहला डिफरेंस था इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में, दूसरा था फैक्टर जो अफेक्ट करता है इवेपोरेशन के रेट को, और तीसरा आपको दिया गया था इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग, आज खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लैटेंट हीट का।